हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ अपनी छत पर, जो कि नया छत है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना करके आप लोगों से मैं दिखा दूँ कि सेटअप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और गाइज, अभी है दशहरा, आप लोगों को पता है, ठीक है, मतलब कि दुर्गा पूजा चल रहा है और आज है दशमी का दिन। तो अभी मेरे घर पर बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आए हुए हैं। इधर देखिए भीड़ छत पर। हेलो, इधर आओ। वो है मेरी दीदी, इधर भी दीदी। आप लोग एक बार पहले भी ब्लॉग में मिल चुके हैं, ठीक है। बाकी सारा कजन सिस्टर है, एक भांजी है, वो बड़ी दीदी की लड़की है मिष्टू। ये है नुपुर। कितना कोई है छत में, ये देखिए। ये है खुशी, लवली, टिया, रिया, आर्यो। बच्चा पार्टी, चुप रहो। तो इतना ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, घर पर, क्योंकि अभी ये था दुर्गा पूजा था, तो सब ये लोग आई हुई हैं यहीं पे। और ये है हमारा नया छत, ठीक है, जो कि अभी आप लोगों को पता था कि काम चल रहा था। तो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका सारा कुछ, बस कलर वलर होना है। और इधर देखिए, फ्रंट साइड में ये जो है स्टील का एंगल भी लगवा दिया ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। बाकी तुम लोग को कुछ बोलना है? बोलो वीडियो। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और क्या करना थोड़ी, एक ही बार में सब। हाय, वेट, चैनल नाम बोल। और दोस्तों, मेरा भी एक चैनल है रूम्पा सेन, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब वीडियो में लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अब थैंक यू। और इधर सीनू आया हुआ है, अभी टेक चैनल का वीडियो भी बनाना बाकी है हम दोनों का। तो चलिए थोड़ा बहुत आप लोगों का रूम टूर करवा देते हैं, ठीक है, कितना दूर काम हुआ नहीं हुआ। बाकी चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, ये देख सकते हो, ये है फ्रंट साइड, मतलब मेरे घर का फ्रंट साइड। इसमें स्टील का एंगल है, बाकी इधर है गेट आने के लिए, और ये है पूरा छत। अभी छत पूरा क्लियर होगा, अभी काम वूम चल रहा था इसलिए इस तरह का हुआ। बाकी इसको पूरा जब रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को फिर से एक ब्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी मैं अभी सिर्फ इस वीडियो पे आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कितना दूर काम अभी हुआ। बाकी ये छत बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ का। अभी आप लोग जो भी इंस्टाग्राम पे मेरे फोटोज देखते हो, सारा यहीं छत से मैं शूट करवा रहा हूँ। तो व्यूज़ देखिए आप लोग कितना अच्छा है, मज़ा आ रहा है देखने में। वाइड एंगल 360 डिग्री। तो लग रहा है अब सबसे ज़्यादा मेरा ही छत का सबसे ज़्यादा हाइट है, ऐसा लग रहा है ना सिनू? वो वाला छत से भी ज़्यादा हाइट है मेरे घर का, ये वाला छत से भी ज़्यादा हाइट है। तो अभी जो है सारा कुछ यहाँ से क्लियर दिख रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है शाम के टाइम में। सोच रहा हूँ यहाँ पे एक झूला लगा दूँ, झूला में बैठ के झूलेंगे ना सीन, और कभी कभी वीडियो भी बनाएंगे। हाँ, चलिए अब नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग जो मेरा नया बेडरूम बन रहा है उसमें कितना दूर क्या काम हुआ है। तो इसके नीचे जाने के लिए गाइस इधर से रास्ता है, ये देखिए अभी ये सब बनेगा। इधर भी स्टील का ये लगवाया सीढ़ी पे, ये देखिए ये सब भी आज फिट हुआ है पूरा। ए, तुम लोगों पर ही रहना मत आना। स्टील का रेलिंग, स्टील का ये रेलिंग्स है, ठीक है। अभी ये सब भी लगा हुआ है, देखिए इधर उधर सामान पूरा बिखरा हुआ है। तो अभी ये सब में प्लास्टर होगा, कलर होगा, यही चीज़ अभी बाकी है। बाकी ये रहा मेरा नया वाला बेडरूम जो कि रेडी हो रहा है। अभी इसमें टाइल्स लग चुका है, ये देखिए टाइल्स का कलर कुछ इस तरह का है, वुडन फिनिश में मैंने लगवाया था, ठीक है, इस तरह का। तो अभी इसमें भी प्लास्टर बाकी है, कलर बाकी है, मतलब पुट्टी होगा इस पर, और टाइल्स फिट हो चुका है। पुट्टी होने के बाद फिर सारा इसमें सेटअप बनेगा, मतलब पलंग वलंग ये सब लगवाना है, बेड उड। बाकी दो विंडोज़ है यहाँ से, विंडोज से आराम से मैं बाहर का भी नज़ारा देख सकता हूँ। दो विंडो लगवा दिया, तो ये तो नया वाला रूम बन रहा है। बाकी रियो देखिए चिल्लाना शुरू कर दिया मेरा आवाज़ सुनकर, ये देखिए क्या हुआ रियो, ऊपर चलना है ऊपर। और ये तो मेरा पुराना वाला सेटअप, आप लोग को पता है, इसको भी मॉडिफाई करना है। और बाकी इधर से नीचे जाने का, जो कि आप लोगों को पता ही है, उधर मेरा नया वो जो पुराना वाला किचन है। तो कुछ इतना सारा काम अभी तक हो चुका है। रियो, गुड बॉय, रियो, गुड बॉय, गुड बॉय, रियो, गुड बॉय, रियो, इधर आओ,
नीचे देखो। सो गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि इतना दूर अभी तक जो है काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये छत जो है बनने के बाद एक और अच्छा चीज़ ये हुआ कि रियो का खेलने का बहुत अच्छा खासा जगह बन गया एकदम, वो आराम से मस्ती से यहाँ पे खेल रहा है अभी। ठीक है, अभी से ही मैं ऊपर लेके आना शुरू कर दिया हूँ। बाकी रेडी होने के बाद ये सारा फ्रेश हो जाएगा तो फिर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कचड़ा वचड़ा गिरा हुआ तो खा लेता है ये वो। और बाकी बच्चा लोग इधर खेल रहा है, सारा चला जाएगा आज ही नहीं, आज नहीं कल जाएगा। आज को मेला है हमारे यहाँ, मतलब कोरोना लॉकडाउन में मेला नहीं लगा है लेकिन मंदिर में जो है लोग जा रहे हैं। ठीक है, मूर्ति दर्शन करने, माता का दर्शन करने जा रहे हैं लेकिन मेला नहीं लगा है। ऐसा नहीं कि दुकान उकान ये सब नहीं है लेकिन भीड़ तो हो रहा है। बट आप लोग भी अगर बाहर निकलोगे तो मास्क उसका यूज किया कीजिए। ठीक है, यहाँ भी मास्क लोग लगा कर ही जो है थोड़ा बहुत घूम रहे हैं इधर उधर। और कल नवमी का दिन भी हम लोग बहुत मस्ती किए हैं, क्या सीनू? बहुत ज्यादा। क्या क्या किए थे घर में? एक्चुअली हम लोग का नवमी का दिन में जो है बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना पकवान ये सब बनता है। ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स लोग इन्वाइट किया था, बहुत कोई आया हुआ था। उस सबका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिला था सुबह से शाम तक। और काम बहुत रहता है ना नवमी के दिन में, नवमी के दिन काम बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सबको इन्वाइट करता हूँ, बहुत सारे मतलब अगल बगल के भी आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स लोग तो अभी भी है, ये लोग जाएगी कल। और तो इस तरह नवमी बहुत ज़्यादा इन्जॉय हुआ। आज है दसवीं, आज दिन सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग जाएंगे घूमने शाम का टाइम में। ठीक है, बाहर तो हो सके तो उसका भी ब्लॉग बना लेंगे, देखते हैं जैसा भी हो। क्या कर रहे तुम लोग? क्या ये डांस करती है अच्छा, ये डांस करती है अच्छा, वो गाना गाती है अच्छा, सब टैलेंटेड। क्या बनना है सब बता, अपना अपना बड़ा हो। सुन के बोल रहा है ये लोग, वो इंजीनियर तो ये भी इंजीनियर। हमको सिंगर बनना है। ये जो डांस का क्लास करती है तो डांस नहीं करना, डांसर नहीं बनना। वो सिंगिंग करती है अच्छा, इसलिए उसको सिंगर बना। वो सही बोल रही है अपना। अरे ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, लवली, इसलिए वो पढ़ लिख के कुछ करेगी। ठीक है, देखते हैं ये लोग का फ्यूचर क्या होता है, अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं। कितना एज हो रहा है? आठ साल, नौ साल, सब ये तीनों एक साथ मतलब आगे पीछे हुई है ये। हाँ, लवली, ये मिस्टू और ये टिया, ये हाँ एकदम आगे पीछे हुआ था, पता है? कुछ दिन का पहले। हाँ, कुछ दिन पहले आगे पीछे, मतलब एक ही महीना में। हम दोनों एक दिन के, तीनों आना एक पास आना, तीनों देखिए सेम लगेगा देखने में। ये तीनों का हाइट वाइट सब सेम, एक ही मंथ में है ये लोग का डेट ऑफ बर्थ, तीनों का सेम मंथ। और रिया उधर पीछे वाली थोड़ी बड़ी है, उसके बाद है छोटी सी ये नूपुर, उससे छोटी है ये खुशी। चलो बोलो, अगर वीडियो पसंद आए तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छोटा सा एक ब्लॉग था, बस आप लोगों को अपडेट देना था कि कितना दूर अभी काम हो रहा है। बाकी रेडी होने के बाद एक स्पेशल वीडियो तो आएगा ही। चलिए आज की इस वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।